कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वो सीख थी जिसने कभी अमिताभ बच्चन को निराश नहीं होने दिया, मुश्किलें आईं तो उनसे उबरने का रास्ता भी दिखाया। जंजीर, शोले, शक्ति, अमर अकबर एंथनी, दीवार, कभी कभी, सिलसिला, अग्निपथ, तमाम फिल्में हैं। लेकिन एक वक्त वो भी था जब बच्चन साहब के पास काम खत्म हो गया था, तब उन्होंने जो किया वो एक और कहानी है उनके सुपरस्टारडम के अब तक कायम रहने की। यश चोपड़ा जी मेरे घर के पीछे ही रहते हैं और मैं चलकर उनके यहाँ गया। मैंने कहा कि यश जी मेरे पास काम नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं, मुझे काम चाहिए, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे फिल्म मोहब्बतें में एक रोल दिया और धीरे धीरे वहाँ से फिर उस जमाने में बहुत सारी संकटें आ गई थी। एक कॉरपोरेशन स्टार्ट किया हमने ए बी कॉप के नाम से, बहुत सारी उसमें उलझनें आ गई, कर्जे हो गए, 90 से लेकर 100 केसेस हो गए हमारे खिलाफ, कुर्की लग गई घर पे और बैंक्रप्ट हो गया था मैं, और कई कई लोग आकर के जिन जो लोग एक ज़माने में काम करना चाहते थे मेरे साथ, वो आकर के मेरे सामने गाली गलौज करते थे और धमकियां देते थे। तो ये सुखद तो अवसर हो नहीं सकता किसी के लिए। बढ़ती उम्र की वजह से फिल्में मिलना दूर था और जो मिल रहा था वो उनके नाम के साथ फिट नहीं बैठ रहा था। अमिताभ बच्चन ने बाबूजी की कविताओं को जिंदगी का सबक माना था और वो सबक अब भी रास्ता दिखा रहा था। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। छोटे पर्दे पर आवाज एक बार फिर गूंजी और घर घर की आवाज बन गई। नौ कंटेस्टेंट्स और इनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट।